बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत होंगे, अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे। तो हाज़िर हुआ एक नई वीडियो के साथ। तो आज ये पक्की फिरते स्टार्ट हो गई हैं हमारे कबूतरों की, ठीक है। तो ये अभी एक कबूतर हमारा बैठा है, ये देखें, ये अभी बैठा है, ठीक है। तो बाकी चार पाँच कबूतर अभी ऊपर है हमारे, और ऊपर ये देखें ये शिकार भी आ गया है, ठीक है। ये देखें शिकार सारा आ गया है बहुत काफ़ी। तो अभी दो हमारे शो थे लेकिन वो फिर गायब हो गए हैं, ठीक है। तो आज पक्की फिरत मारी है। ये अभी कबूतर उतरे हैं, तो इनको ये देखें पोरे डालें, पोरे खा रहे हैं, इनको नोके भी लगवा लिए हैं, तो ये पोरे दे रहे हैं हम, ये देखें, ठीक है। तो ये ज़रूरी होता है जब कबूतर उड़ के आए पक्की फिरत में, ज़्यादा उड़ के आए, मतलब ये नहीं कि एक दो घंटे लगाए, तो कम अज़ कम छः घंटे अगर लगाए ना, 12 के बाद बैठना शुरू कर देना, तो फिर उनको थोड़ा बहुत खुराक देनी पड़ती है ताकि वो अपना वज़न बरकरार रख सके। क्योंकि अगर एक दफ़ा आपके कबूतर ने वज़न छोड़ दिया ना, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है कि वो दोबारा वज़न अपना कायम रख सके। क्योंकि जिस दिन उड़ के आए उसी दिन उसका वज़न बरकरार करना पड़ता है, वज़न उसका बराबर रखना पड़ता है, तो इस वजह से इनको खुराक देनी पड़ती है। तो अब जो वो वाले कबूतर जब उतरेंगे तो इंशाल्लाह आपको उनकी वीडियो भी साथ बना के इसके साथ लगा दूंगा। तो अभी मैं छत पे ही था, दिन का टाइम है, ठीक है। अभी तकरीबन 1:30 बजने लगा है। तो ये मेरे अभी चार कबूतर नीचे आए हैं, ये तो अभी बैठा है, एक ये वाला कबूतर, ठीक है, ये और ये तीन, ठीक है। ये तीन कबूतर पहले बैठे हैं और साथ फिर उसके बाद ये वाला अभी बैठा है, ठीक है। ये 12 के बाद ही चार कबूतर बैठे हैं, ठीक है। बाकी दो कबूतर, तीन कबूतर ये जो है ना, ये वाले, ये 12 से पहले बैठे थे। ये तो बिल्कुल फ्रेश है पर जल्दी आ गए, ये बिल्कुल फ्रेश बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये इनकी थोड़ी सी हालत ख़राब है, दुम वगैरह खोली हुई है। तो जो ज़्यादा उड़ के आए, ज़ोर लगा के आए ना, वो उनकी दुमें खुली होती हैं पर थोड़े से लटके होते हैं, तो ये पता चलता है कि ये उड़ के आते हैं कबूतर। तो ये देखें, ये भी आपके सामने देखें इसकी हालत देखें। तो ये अभी नोक लगवाऊँगा तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल फ़्रेश हो जाएगा, साथ इनको फिर रोटी के पोरे दूँगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, साथ साथ करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अभी मैं देखता हूँ जब वो उतरेंगे ना, तो साथ उनकी वीडियो भी लगा दूंगा। तो ये जोड़े वगैरह हैं, इनको अभी दाना वगैरह डाल दिया था, पानी भी डाल दिया था, तो अभी एक टाइम ही डालते हैं फ़िलहाल, क्योंकि इनके साथ अभी बच्चे वगैरह नहीं हैं, तो सारों को एक ही टाइम दाना देते हैं, उड़ाई वालों को भी और इन जोड़ों को भी। जब बच्चे वगैरह होंगे तो इनको दो टाइम दाना देंगे और उड़ाई वालों को एक टाइम देंगे। तो अभी बिल्कुल आसमान खाली हो गया है, जो शिकार था वो भी इधर उधर चला गया। वो ये शिकार जब कबूतर ऊपर से निकलता है ना, तो ये शिकार आपकी छत के ऊपर घूमना फिरना शुरू हो जाता है, ताकि कबूतर हाइट में फिर दोबारा जाए और वहाँ हाइट से ये पकड़ते हैं। नीचे आके कबूतर थोड़ा मुश्किल हो जाता है पकड़ना, लेकिन हाइट में ज़्यादा ये पकड़ाए जाते हैं। फिर अक्सर हम जैसे लोग कहते हैं कि वो कबूतर ठीक नहीं था, वो चला गया है, ये है, तो वो अलग हो सकते हैं वो शिकार हुआ हो। अक्सर ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, इन दिनों में ज़्यादा शिकार होते हैं। तो ये अभी मैं दाना डाल रहा था थोड़ी देर पहले, ये मादी बैठी है, उस टाइम मेरे पास मोबाइल नहीं था कि मैं वीडियो बना लेता। ये चपड़ी मादी जो अंदर जा रही है ना, ये अभी बैठी है। आज माशाल्लाह से बड़ी अच्छी परवाज़ दी है, पक्की फिरत मारी थी, ठीक है। और माशाल्लाह से कबूतर भी पूरे हो गए, सारे बैठ गए। ये जो चपड़ी मादी आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये वाली, ये देखें, ये अभी बैठी है, ये देखें ये वाली। ये भी 5:30 बजे का टाइम है, तो ये अभी बैठी है, थोड़ी देर पहले ही बैठी है। तो ये देखें, ये भी दाना खा रही है, ठीक है। इसको नोक शोक मेरे भाई ने लगवा ली थी नोकें, तो मैं अभी आया हूँ, तो थोड़ी देर पहले ही बैठी है ये। तो कबूतर ये हमारे घर के चपड़े हैं माशाल्लाह से। तो ये अभी दाना वगैरह सारे कबूतरों को डाल दिया। तो आज इधर टूर्नामेंट भी हुआ था, 15 कबूतरों का, 21 कबूतरों का और 8 कबूतरों का, मुख्तलिफ टूर्नामेंट उड़े थे। ये थे आज की वीडियो, संडे का दिन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाज़र हूँगा। दुआओं में याद कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।